हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाना है, साथ ही घंटी बटन है उसके साइड में उसे भी दबा लेना है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सके हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हम आज का कि जो ट्रिपल एंटीजन है वो किन तीन रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो वो है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। इन तीनों रोगों से जो है हमें बचाता है ट्रिपल एंटीजन। नेक्स्ट, यहाँ पे किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है या फिर उससे ग्रसित होते हैं? तो वो है आयरन। आयरन की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एटिनिल, जो एटिनिल है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो रक्तचाप घटाने के लिए किया जाता है, एटिनिल का प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पित्तरस का कार्य क्या है? तो जो पित्तरस है, पित्ताशय में पाया जाता है ये, और इसका जो कार्य है वह है वसा का एमल्सीकरण करना। वसा का एमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे सीड्स क्या है? सीड्स एक प्रकार का मृत्यु घातक रोग है, जो उससे कि काफ़ी भयंकर रोग है, जिससे कि मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किससे निर्धारित की जाती है? तो ये जो ध्वनि की वेलोसिटी है वो आयाम से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अंधों के पढ़ने की लिपि कौन सी होती है? तो वो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के अंदर ये अंधे के पढ़ने की लिपि होती है, ब्रेल लिपि जो होती है। प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रयोग जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो ये दी थी हार्वे ने। हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या दी थी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया है वाटरमैन ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एल्बो जॉइंट, जो कोहनी का जॉइंट होता है, वो किस प्रकार का जॉइंट है? तो वो है हिंज जॉइंट, यानी कि हिंज जॉइंट इसको कह सकते हैं। जो एल्बो जॉइंट कोहनी होती है, एल्बो, उसके अंदर जो जॉइंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये जो वहाँ पे यूरोक्रोम की प्रेजेंट के कारण ये होता है, प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम की वजह से जो है ये इसका रंग जो है येलो होता है यूरिया का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम, तो इसका व्यापारिक नाम है धावन सोडा या फिर धोने का सोडा इसे कहा जाता है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड जो है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? तो पीने के पानी में जो क्लोरीन मिलाया जाता है उसका प्रमुख कारण है कि उसमें जो पानी में जो कीटाणु होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं, उनको जो है मारना है, इसका कारण मेन उद्देश्य होता है क्लोरीन का, ये ठीक है। रोग जो कीटाणु है उनको मार देती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी का कारण, आयोडीन की कमी के कारण ये होता है। नेक्स्ट, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो 16 वर्ष की आयु के बाद ये निकल जाते हैं। दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं? तो दूध से जो दही जमाने में जीवाणु काम आते हैं वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसी के कारण दूध से दही बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसे बाहरी जल कहा जाता है? तो ड्यूटोरियम को, ड्यूटोरियम ऑक्साइड को, यानी कि D2O इसका फॉर्मूला होता है, इसी को जो है बाहरी जल कहा जाता है। किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो तेल से होकर नहीं हो सकता ध्वनि का संचरण, वैसे और भी है लेकिन अगर यहाँ पे तेल मिलता है तो तेल से जो है ये नहीं हो सकती ध्वनि पास। वैसे सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण होता है वो ठोस में होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट यहाँ पे, लार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, ठीक है। इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर लार का, वो होता है एसिडिक, एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो ये किया था एनरिको फर्मी ने। जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है, इसको
अवधारणा जो दी है वो सर्वप्रथम दी थी एनरिको फर्मी ने। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने में इसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जल का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु जो होते हैं, अणु वो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। जो हाइड्रोजन उससे जुड़े होते हैं, इसके आपस में जो अणु होते हैं, जल का फॉर्मूला H2O होता है, और आपको पता होगा जो अणु है इसके हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए ये जो है इसका क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण ये उपस्थित होती है। सी ए कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है कि अभिक्रिया की दर को बदल देता है या फिर उसकी दर को बढ़ा देता है, वो क्या बोलते हैं उसको? उत्प्रेरक। कोई भी अभिक्रिया होती है केमिस्ट्री के अंदर, जो भी किसी भी तत्व की या पदार्थ की अभिक्रिया की जाती है, उसमें उत्प्रेरक अगर यू ऐड कर देते हैं तो वो अभिक्रिया की उसको स्पीड को, जो दर है, कैपेसिटी, उसको बदल देता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि किस लेंस की क्षमता जो है व्यक्त की जाती है, किस में, किस से लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? तो ये जो डायोप्टर है उसी में लेंस की क्षमता को जो है मापा जाता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके लौटूंगा, जिसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, आगामी हर एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो मिस ना करें। आने वाले हर वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।